नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का सेना से लगाव जग जाहिर है। सेना ने उनको लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से भी नवाजा है। यहां तक कि वो पैराट्रूपर के रूप में ट्रेनिंग भी कर चुके हैं। इसी के साथ ही 2019 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने कश्मीर में ट्रेनिंग भी की थी। वो कई बार सेना के लिए अपनी सेवाएं दे चुके हैं और आगे भी सेना में योगदान करने की इच्छा रखते हैं। अब मीडिया में आई खबरों की माने तो सेना धोनी को एक जिम्मेदारी देने के लिए तैयारी में है। सेना को दिल में बसाने वाले पूर्व कप्तान को अब युवाओं में देश की रक्षा और अनुशासन बनाए रखने के जज्बे को पैदा करने के लिए सेना ने कुछ तैयारी की है। जानकारी के मुताबिक युवाओं में रक्षा और अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC को आने वाले वक्त में और भी प्रासंगिक बनाए जाने का फैसला लिया गया है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ें, इस पर भी काम किया जा रहा है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति बनाई है, जिसका उद्देश्य होगा युवाओं को NCC में जोड़ने की कोशिश करना। और सबसे खास बात, जो समिति बनाई गई है उसमें पूर्व कप्तान धोनी को भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 सदस्यों की इस समिति में पूर्व कप्तान के अलावा MP विनय सहस्त्रबुद्धे और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को भी शामिल किया गया है। NCC में शामिल होने वाले युवाओं को कैडेट बुलाया जाता है। तमाम कैडेट्स को उनकी योग्यता के अनुसार A, B और C सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। कक्षा 8 से 10 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ए सर्टिफिकेट के लिए चुना जाता है। 10वीं के ऊपर यानी इंटरमीडिएट के छात्र को बी सर्टिफिकेट, वहीं सी सर्टिफिकेट महाविद्यालय स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों को दिया जाता है। जिन छात्रों के पास NCC के प्रमाण पत्र होते हैं उन्हें कुछ खास सुविधाएं भी मिलती है। सर्टिफिकेट पाने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई खत्म करने के बाद सरकारी विभागों में नौकरियों में कई तरीके की छूट मिलती है। सी सर्टिफिकेट पाने वाले विद्यार्थियों को सेना और पुलिस सिपाही भर्ती में कोई लिखित परीक्षा देनी नहीं होती। यहां तक कि उनको IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सीटें आरक्षित होती हैं। फिलहाल धोनी IPL में बिजी हैं, जल्द ही वो सेना से मिली जिम्मेदारी को संभालते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।